नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को कब यूज़ करें, कितना यूज़ करें और कैसे आपको इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ नकली और असली डीएपी की पहचान आप कैसे करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली डीएपी के ब्रांड भी आ गए हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप अगर वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सारी ज़रूरी जानकारी आप मिस कर जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर है, चैनल पे पहली बार आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर आप गार्डनिंग में काफ़ी टाइम से है, तो आपने यूरिया, एनपीके और डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी, इन तीन फर्टिलाइज़र के नाम जरूर सुने होंगे। उनमें से आज डीएपी के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप गार्डनिंग में नए भी हैं और पहली बार डीएपी का नाम कहीं से सुन के इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज इस डीएपी फर्टिलाइज़र यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये डीएपी जो है ग्रैन्यूलर फॉर्म में आता है और ये काफ़ी हार्ड इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे अगर आप इसको हाथ में ऐसे नाखून से दबा के प्रेस करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये टूटता नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी ये क्वालिटी होती है, आप इसको कितना भी प्रेस कीजिए ये टूटेगा नहीं। तो इसको अगर असली और नकली डीएपी की अगर आपको पहचान करनी है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे नकली डीएपी के ब्रांड भी आ गए हैं, तो आपको कोई मिलावटी डीएपी की पहचान करनी हो, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, आप एक प्लेट को जो है आग पे गर्म कर लीजिए पहले, और उस पर इसके दाने डाल के देखिए दो चार। अगर वो प्लेट गर्म प्लेट पर डालते ही अगर डीएपी के दाने जो है फूलना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए आपके पास असली डीएपी है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको गर्म प्लेट पर अगर हम डालते हैं तो ये फूलना शुरू कर देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि असली और नकली डीएपी की पहचान हमें कैसे करनी है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ डीएपी फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते क्यों हैं। तो डीएपी फर्टिलाइज़र में दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी केमिकल कंपोजिशन हम लोग समझ लेते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब इसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है इस प्लांट के अंदर। तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है आप नीचे देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कितनी कितनी मात्रा होती है वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फॉस्फोरस होता है। तो जो प्लांट, अगर आपने इनिशियली कोई प्लांट लगाया है, और ये दरअसल फॉस्फोरस जो होता है इसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फॉस्फोरस जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो यूज़ करते हैं रूट्स, एक प्लांट की रूट्स जो है उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, कि एक प्लांट की ग्रोथ रूट जो है जल्दी जल्दी डेवलप हो। अगर आपने कोई ट्यूबर वाले प्लांट लगाए हैं, जैसे कि अगर किसी प्लांट की रूट से ट्यूबर बनते हैं, जैसे कि आलू का जो पेड़ हो गया, या फिर अगर गार्डन में आप लगा रहे तो डेलिया का जो प्लांट है उसमें नीचे जो रूट है उसके ट्यूबर्स बनते हैं, तो उसमें ये प्लांट जो है, ये डीएपी जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये जो रूट्स का डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो किसी भी प्लांट, अगर आपने कोई नया प्लांट लगाया है और उसकी रूट जल्दी से ग्रो करे और अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो इससे अगर आप इसको अगर प्लांट में आप यूज़ करते तो पत्तियां जो है उस प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगी। और साथ ही साथ जो फॉस्फोरस होता है वो फ्लावरिंग के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आपने अगर गार्डन में कोई फ्लावरिंग प्लांट लगाया है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और अगर आप डीएपी यूज़ करते हैं, तो ज़रूर इससे जो है अच्छा इफेक्ट आता है। डीएपी यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों। डीएपी आप अगर आपके पास आप पोट में अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है और उसमें अगर आपको डीएपी यूज़ करना है, तो जितने इंच का पोट है उतने ही दाने जो आप अपने पोट के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 8 इंच का पोट है, तो उसके अंदर सिर्फ 8 इसके जो ग्रेन्यूल है, दाने जो है वो यूज़ कीजिए। और अगर आप 12 इंच का पोट है, तो उसमें 12 दाने यूज़ करने, 2 जो है दाने ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए ये प्लेट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपका पोट है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आपका प्लांट लगा हुआ है, तो बिल्कुल पोट की दीवारों के साथ लगते हुए, जो आपका पोट है उसकी दीवारों के साथ लगते हुए, ऐसे दीवारों थोड़ा हल्का हल्का आपको ऐसे मिट्टी जो है गुड़ाई करनी है, और उसमें वो 8 या 10 दाने जो भी आपके पोट के साइज़ के हिसाब से सही हो, वो ऐसे डाल के ऊपर से उस मिट्टी से इन दानों को कवर कर देना, और हाथों हाथ उसमें जो है वाटरिंग करनी है। तो ये हो गया तरीका दोस्तों, आप कैसे अपने पोट में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जितने इंच का पोट हो उतने ही दाने ग्रेन्यूल्स आपको यूज़ करने हैं। 2 दाने ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सभी दाने इसके एक समान साइज़ के नहीं होते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो, अभी हम इसके जो साइड इफ़ेक्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बेनिफिट की बात बताई, तो सबसे पहले तो इसको गर्मियों में जब तेज़ गर्मी पड़ रही हो तो उसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और तेज़ गर्मी में अगर आप इसको यूज़ करते तो आपके जो प्लांट की जो रूट्स है और जो पत्तियाँ है वो गलना शुरू हो सकती है।
इसको आप 15 से 30 दिन में एक बार यूज़ कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 30 दिन से पहले इसको यूज़ मत कीजिए। एक चम्मच DAP 1 लीटर पानी में मिला के आप डाइल्यूट कर सकते हैं, और उस पानी को फिर आप अगर प्लांट में यूज़ करते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे जो प्लांट में जो एकदम तेज़ जो रिएक्शन होता है केमिकल का, उससे प्लांट बच जाता है। तो आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच DAP मिला के वो आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका एक थोड़ा नुकसान ये रहता है दोस्तों कि अगर जिस पोट के अंदर आप DAP यूज़ करते हैं उसकी मिट्टी धीरे धीरे जो है एल्कलाइन सोइल बनना शुरू हो जाती है, और जो काफ़ी सारे प्लांट हमारे गार्डन में होते हैं जिनमें कि एसिडिक सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए आपके प्लांट को एसिडिक सोइल रिक्वायर्ड है, तो उन प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो मैं खास तौर पे आपको, अगर आपने रोज़ प्लांट लगाए, गुलाब के पेड़ लगाए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उनमें इसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सोइल को थोड़ा शुरू में इनिशियली जब अमोनिया इससे रिलीज होता है तो जहाँ जहाँ इसके दाने होते हैं वहाँ पे सोइल जो है एल्कलाइन बनना शुरू हो जाती है, बाद में एसिडिटी लेवल सेम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो खास करके रोज़ प्लांट में इस तरह के फर्टिलाइज़र आप मत यूज़ कीजिए। दूसरा, इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही होता है, पोटेशियम नहीं होता है, तो एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र ये नहीं है। तो आप अपने प्लांट को अगर NPK देते तो NPK इसके बनिस्बत जो है ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है, क्योंकि उसके अंदर तीनों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो तीनों अवेलेबल होते हैं। कोई सीजनल प्लांट लगाया हो जैसे 3 या 4 महीने जिसकी मियाद हो और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग आपने लेनी हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लंबी ड्यूरेशन के लिए कोई प्लांट लगाया, जैसे कोई रोज़ प्लांट ही आपने लगा रखा है और आप चाहते हैं कि वो लंबी ड्यूरेशन तक रहे, तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि DAP आप यूज़ मत कीजिए। लेकिन कोई कम ड्यूरेशन का प्लांट है जैसे कि डहलिया एक सीज़न रहता है, और इसके अलावा जो बाकी पिटूनिया और बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट है वो एक सीज़न रहते हैं, तो उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आप उस प्लांट से ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों DAP से जुड़ी हुई सारी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।